तो कैसे हो भाई। आज आपके लिए हम लेके आ चुके हैं EP7 टैटू मशीन, जो कि बहुत ही औसम है, जिसके साथ आप टैटू बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश अप कर सकते हो। तो भाई इसमें आपको एक पेन मिलेगा, जो कि आप देख सकते हैं इसमें कार्ड भी है और रिंग्स वगैरह भी है। और इसके साथ ही आपको इसके साथ ये जो आपको इंफॉर्मेशन कार्ड भी मिलेगा, जिस पर आप देख सकते हैं कि ये सामान जो है ये सभी आपको इसके साथ मिलेगा। टाइमर भी है इसमें, टाइमर आप अपनी हिसाब से सेट कर सकते हैं। और इसमें आपको एक ही पेन मिलेगा और इसमें आपको USB केबल भी मिलेगी, जिसको आप अटैच करके इसको चार्ज भी कर सकते हो। वैसे तो ये एक वायरलेस है, आपको इसके साथ केबल कनेक्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसको चार्ज करने के लिए USB केबल दी गई है। तो आप देख सकते हैं इसमें जैपनीज मोटर जो कि 4 वोल्ट की है वो लगी हुई है, और ये बिल्कुल ही हल्का है। आप अपने टैटू को एक फिनिशिंग टच दे सकते हैं, वो भी ऑसम लुक के साथ। तो भाई इसके साथ साथ इसका मटेरियल की बात करें तो मटेरियल का एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम का बना हुआ है, जो कि बहुत ही लाइट है और अच्छा है। आपके हाथ में इसको जब आप इसके साथ टैटू को बनाएंगे तो भाई क्या ही बात, टैटू की फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी। तो यार इसके प्राइस की बात करें तो आपको ये 15,000 में भी मिल सकता है, मार्केट में आप जाके इसको बाय कर सकते हैं। और बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की हो तो फ्रीक्वेंसी इसकी 11,000 RPM है। तो भाई सबसे बड़ी बात कि इसका वर्किंग वोल्ट कितना है, तो वर्किंग वोल्ट इसका 4 से 12 वोल्ट DC है। हाँ जी, इसमें DC करंट है। और भाई स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में ये जो है 3.5 mm की है। तो भाई आप देख सकते हैं इसके साथ जो जो एक्सेसरी मिले हैं वो भाई इसके साथ आती है। तो अब हम इसका वेट देखेंगे तो आप देख सकते हैं वेट इसका कितना कम है। तो भाई आपको इसमें एक चार्जिंग वोल्टेज जो कि 5 वोल्ट का है वो मिलेगा, और सबसे अच्छी बात कि ये चार्ज हो जाता है 3 घंटे में, इसका चार्जिंग टाइम 3 घंटे है। तो भाई ये तो बहुत ही ऑसम है, आपको ज़रूर इसको बाय करना चाहिए। आप इसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और आपको ये जो फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन वगैरह पे भी मिल जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जैपनीज मोटर है जो कि 4 वाट की है, और इसका चार्जर भी भाई 3 घंटे में चार्ज कर देता है। तो भाई इसका यूजिंग टाइम है सबसे बड़ी बात। अगर आपके पास ये है तो भाई सबसे पहले आप इसकी मेन चीज़ देखोगे कि ये कितना चार्ज होती है, कितना टाइम यूज़ होती है। तो भाई चार्जिंग टाइम हमने बता दिया कि 3 घंटा लगता है इसको चार्ज होने में, और भाई यूजिंग टाइम इसका 5 से 8 घंटा है। तो भाई क्या आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, तो इसको यूज़ करने में तो मज़ा आएगा। तो भाई इसके साथ ही इस पर स्लीप ऑफ मोटर, इसकी जो स्लीप ऑफ मोटर है वो हमने बताई थी 11,000 RPM, जो आउटपुट पावर है इसकी तो वो तो 5 वोल्ट है। तो भाई इसके साथ अगर गिफ्ट की बात करें तो इसके साथ एक गिफ्ट मिलेगा, तो वो क्या होगा वो आप जब इसको बाय करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ ही आपको इसमें 6 महीने की वारंटी भी मिलती है, और इसकी नॉर्मल कैपेसिटी 22,000 mAh है। ओ भाई, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा है प्लीज़ नोट दैट लाइक एनी LI लॉन्ग बैटरी दिस बैटरी वेल आल्सो वेयर डाउन टू टाइम एंड कैपेसिटी स्लोली गेट लोअर यूजिंग वर्किंग टाइम टू गेट शॉर्टर दिस इज नॉर्मल वे ओवर टाइम एंड शॉर्ट कवर बाय वारंटी। तो इसकी जो सबसे अच्छी बात है कि ये जो है एयरक्राफ्ट एल्युमिनियम मटेरियल की बनी हुई है, जो कि हल्की है और अच्छी भी है। तो भाई आजकल तो
ये टेक्नोलॉजी का ही समय है। आजकल टेक्नोलॉजी में अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं और आपका भाई भी ऐसे ही अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आता रहेगा। तो आपको ये पेंचूल से बाय करना चाहिए क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसका बैटरी बैकअप अच्छा है और इसका मटेरियल अच्छा है। तो और इसके जो टाइम आप देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो टाइम है, जो चार्जिंग टाइम 3 घंटे में चार्ज हो जाती है और यूजिंग टाइम इसका 5 और 8 घंटे है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना अच्छा। तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर भी कीजिएगा और ज़रूर इसको बाय करिएगा। तो बाय करने के बाद हमें कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।